अब यात्रियों को सफर में नहीं होना पड़ेगा परेशान। वेटिंग टिकट पर रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइंस। वेटिंग टिकट के यात्रियों की स्लीपर और एसी कोच में नो एंट्री होगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके वेटिंग लिस्ट की पूरी जानकारी और रेलवे के नए नियम। भारतीय रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू करे हैं। अभी तक जिन यात्रियों का टिकट कन्फर्म RAC रह जाता था वे स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते थे। इससे जिन यात्रियों की टिकट कन्फर्म होती थी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बर्थ में काफी भीड़ होने की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ऐसा फैसला लिया है। जानते हैं वेटिंग टिकट लेकर ट्रेवल करने पर कितना जुर्माना लग सकता है। भारतीय रेलवे ने बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने वाले पर भारी जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोच में सफर कर रहा है तो उस पर 440 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रेन टिकटिंग ऑफिसर TT उसे बीच रास्ते में उतार सकता है। उसके अलावा TT को यह अधिकार होगा कि वह यात्री को सामान्य डिब्बे में जनरल डिब्बे में भेज सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री स्लीपर कोच में सफर करता है तो उस पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो क्या आप यात्रा कर सकते हैं? रेलवे के नए नियमों के मुताबिक वेटिंग लिस्ट की टिकट पर यात्रा करना अवैध है। हालांकि अगर आपने टिकट विंडो काउंटर से लिया है तो वेटिंग लिस्ट टिकट पर जनरल डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन यानी कि ई टिकट पर बुक किए गए वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट टिकट ऑनलाइन है तो चार्ट तैयार होने के बाद इसे IRCTC अपने आप कैंसिल कर देती है और आपको रिफंड मिल जाता है, और उसके बाद रिफंड पेमेंट आपके उस खाते में आता है जिससे आपने रिजर्वेशन के समय भुगतान किया था। रिफंड राशि आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अगर आपका तत्काल टिकट भी वेटिंग लिस्ट में है और यात्रा के दिन तक कंफर्म नहीं होता है तो आप भी उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। तत्काल वेटिंग टिकट होने पर रेलवे की ओर से टिकट को ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है। वहीं अगर आपका टिकट RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन में है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेन में सीट उपलब्ध होगी लेकिन आपको सीट को किसी अन्य यात्री के साथ शेयर करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप ट्रेवल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वेटिंग टिकट के नए नियम क्या क्या है। भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार यदि आपने विंडो से टिकट खरीदा है और वह टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है तो आप उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन बहुत से यात्री इसे कैंसिल कराने के बजाय यात्रा करने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। रिफंड पॉलिसी के अनुसार कैंसिलेशन के बाद आपके टिकट की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी और आपके वेटिंग लिस्ट से और कंफर्म टिकट से या फिर रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएं।